अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ फिट पाट होंगे, मज़े में होंगे। मैं आपका होस्ट मोहम्मद राशिद एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो मैं इस वजह से बना रहा हूँ कि मेरे एक भाई ने मुझसे एक सवाल किया, फर्टिगेट फोलियर और टैकम, इनमें क्या फ़र्क है। ये दोनों प्रोडक्ट एक ही कंपनी के पास मौजूद हैं और दोनों अमाइनो एसिड्स हैं, तो आज हम टैकमिन पे बात भी करेंगे और उसके साथ मैं आपको इन दोनों का फ़र्क भी बताऊंगा, दोनों में क्या फर्क है, दोनों को किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। वीडियो के साथ बंदे रहिए। सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैकामिन मैक्स भी जी जाफर एग्रो सर्विसेज पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, और अगर इस की बात की जाए कि ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये सेम कंपनी एग्रो टेक्नो के नाम से जो कंपनी है स्पेन की, ये वही प्रोड्यूस कर रही है। तो अगर एग्रो टेक्नो के बारे में आपने जानना है तो मेरी ये वीडियो देखिए, वहाँ उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। बात करते हैं कि जी टैकामिन में क्या है, टैकामिन और फर्टिकेन फोलियर में क्या फ़र्क है, इसके बारे में बात करें कि कंपोनेंट्स क्या हैं, टैकामिन में क्या मौजूद है। तो ये भी सेम जी अमीनो एसिड्स के ही ग्रुप से बिलोंग करता है और हम इसे भी सेम कैटेगरी में ड्रॉप करते हैं कि अगर हमें अमीनो एसिड्स की ज़रूरत है, हमारे पौधों को अमीनो एसिड्स की ज़रूरत है, तो हमने अमीनो एसिड्स में हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कंपोजिशन को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि इसकी कंपोजिशन में एक्चुअल में क्या मौजूद है। अगर आप इसकी कंपोजिशन को देखें जी, तो इसकी कंपोजिशन में आपको अमीनो एसिड्स जो है ना, टोटल जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हैं वो 14.4% मिलेंगे, और इसके साथ आपको जो एल अमीनो एसिड्स हैं, जो जिसे फ्री अमीनो एसिड्स कहा जाता है, ये जो है ना इसके अंदर इसकी मिकदार है 12% है, और नाइट्रोजन की मिकदार इसमें 7% है, ऑर्गेनिक मैटर इसमें 60% है, और 6.6 इसका पीएच है। अगर आप कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि, और मुझसे ये सवाल भी किया गया है कि भी अमीनो एसिड्स में ये एल और डी का क्या डिफरेंस है, ये एल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, एल और डी अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ये एक केमिस्ट्री है जी। अगर मैं सिंपल अल्फाज में आपको समझा सकूँ तो दोनों ही जो है ना एक दूसरे के मिरर हैं। अगर आप जैसे अक्स में अपने आप को देखते हैं तो ये एक दूसरे के मिरर ही हैं। मेन बात ये है कि जो डी है उसके बारे में जो साइंटिफिक रिसर्च है, जो साइंटिस्ट कहते हैं कि डी जो अमीनो एसिड्स है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत कम मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि मौजूद है लेकिन बहुत कम है। जो एल अमीनो एसिड्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा मौजूद है। तो अब ज़्यादातर कंपनीज मार्केट में जो अमीनो एसिड्स दे भी रही हैं वो एल अमीनो एसिड्स दे रही हैं, क्योंकि ये फ्री इसके साथ ही सही कहते, ये बहुत आसानी से पौधे को मैसर हो जाता है और पौधा इसको जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। टैकामिन में जो अमीनो एसिड्स मौजूद हैं ये हैं कि ये प्लांट ओरिएंटेड हैं, तो प्लांट से इनको हासिल किया जाता है। इसमें आपको इस ग्रुप में आपको 60% जो है ना आपको ऑर्गेनिक मैटर भी मिलता है। तो इनके जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं ये कंपनी ज़्यादातर अपने ऑर्गेनिक मैटर्स सी से लेती है, डीप सी से लेती है, और इनके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो सी मिनरल्स पे डिपेंड करते हैं। बात करते हैं वापस टैकामिन मैक्स पे कि टैकामिन मैक्स अगर इनके जो मेन बात है जो हम इसके अंदर बात करते हैं कि अमीनो एसिड्स मेन फंक्शन हमें क्या देते हैं, हमें एडवांटेजेस क्या देते हैं, तो एक जो बड़ी बात जो हम करते हैं कि हमेशा स्ट्रेस रिलीजिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं पहले भी पिछले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि अमीनो एसिड्स हमेशा प्लांट लूज करता है जब भी उस पर किसी किस्म का स्ट्रेस आता है। तो आपको बाहर से पौधे को अमीनो एसिड्स देने होंगे। प्लांट जब भी स्ट्रेस में आता है, किसी किस्म के स्ट्रेस में भी आता है, वो अमीनो एसिड्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करता है, और अगर उसके पास नेचुरली अपने अमीनो एसिड्स की प्रोडक्शन नहीं हो रहे सही तरीके से, मौसम उसको सपोर्ट नहीं कर रहा या उसको खुराक सही तरीके से नहीं मिल रही, तो फिर क्या होगा कि पौधा डिप्रेशन में चला जाएगा, स्ट्रेस में चला जाएगा, और उसकी वजह से और वो बहुत सारी बीमारियाँ अडाप्ट कर लेगा या उसके ऊपर अटैक हो जाएंगी। तो इस कंडीशन में आपको पौधे को अमीनो एसिड्स देने पड़ेंगे। टैकामिन में और फर्टिग्रेन फोलियर में क्या फ़र्क है,
जो मैं कंपोजिशन आपके सामने रखता हूँ, दोनों की मेन कंपोजिशन में क्या फर्क है उस पर बात कर लेते, फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी दोनों का मेन फर्क क्या है। इस दोनों की कंपोजिशन को एक दूसरे के साथ रखते हैं, तो इन दोनों की कंपोजिशन को अगर आप गौर से देखें तो टैकामेन मैक्स में आपको मैंने पहले कहा कि 14% आपको टोटल अमीनो एसिड्स मिलेंगे, जिसके अंदर आपको जो है ना 12% जो है ना वो एल अमीनो एसिड्स हैं, 7% इसके अंदर नाइट्रोजन है, ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर 60% है और पीएच इसका 6.6% है। इसका बाकायदा आप इसका इस्तेमाल भी ये कंपनीज इसको डिवाइड करती हैं इनकी यूजेज के हिसाब से, कि आप टैकामेन मैक्स को इवन के ये कहते हैं कि ये एक जर्नल प्रोडक्ट है, आप इसे हर जगह और हर कंडीशन में और हर हालात में इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्टिगेन फोलियर एक टोटली नेचुरल प्रोडक्ट है और इसके इसमें अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर आपको 10% आपको अमीनो एसिड्स मिलेंगे और फ्री अमीनो एसिड्स इसके अंदर 8.5% आपको मिलेंगे। एक हिसाब से आपको इसके अंदर अमीनो एसिड्स थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर और ऐसी चीज़ें हैं जो प्लांट्स को उनकी भी ज़रूरत होती है, जिसमें से आपको नाइट्रोजन देखिए 5% मिल रहा है, ऑर्गेनिक मैटर आपको 40% मिल रहा है, जिंक आपको यहाँ 0.7% मिल रहा है, मैग्नीशियम आपको 0.5% मिल रहा है, बोरान आपको जो है ना 0.1% मिल रहा है, आयरन इसके अंदर मौजूद है 0.1% के साथ, कॉपर इसके अंदर 0.1% के साथ मौजूद है, मोलिब्डेनियम आपको इसके अंदर मिल जाएगा 0.02% मिल जाएगा, कोबाल्ट इसके अंदर आपको 0.01% मिल जाएगा और पीएच इसका 5 है। तो इसके अंदर और भी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं और ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना ये प्लांट से एक्सट्रैक्ट की गई हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है ये वो स्पेसिफाई करते हैं उस कंडीशन में जब आपको दाने की खूबसूरत बढ़ोतरी चाहिए, आपको दाने में साइज चाहिए, स्ट्रेस आ रहा है पौधे के ऊपर, उस कंडीशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेजर जो क्रॉप्स हैं आप उसके अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे मल्टी न्यूट्रंट्स बन जाते हैं। मैं बात को जरा समराइज करता हूँ आपके लिए, देखिए मार्केट में बहुत सारे मल्टी न्यूट्रंट्स आपको मिल जाएंगे जो इंसान भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी खास हिस्से के लिए जब किसी प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो माइक्रो न्यूट्रंट्स डिफरेंट हो जाते हैं, आप जब जनरल इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये सेम प्लांट्स के साथ भी वही फीचर है, आपको डिफरेंट कैटेगरीज में जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफरेंट कंडीशंस में आप अगर कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आपको ज़रूरत है, अमीनो एसिड्स की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से इन्होंने इसको कैटेगराइज किया हुआ है। अगर मैं टैकामेन मैक्स की इस्तेमाल के बारे में बात करूँ कि इसको हम किस तरीके से किस टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, अब इसको जो इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है सम क्रॉप्स के लिए जो आप जिसमें आप इसको इस्तेमाल करें, लेकिन आप इसका इस्तेमाल किसी कंडीशंस में भी किसी हाल में भी कर सकते हैं। बेहतर आपने अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आप इनिशियल कंडीशंस में आप इसको इस्तेमाल करें, बाद में अगर आपको पिकिंग के टाइम ज़रूरत आ रही है, क्योंकि आज जो क्रॉप्स आप पिकिंग के लिए लगाते हैं, सपोज मिर्चें लगा रहे हैं, टमाटर लगा रहे हैं, भिंडी आपने कल लगाई हुई है, करेला लगाया हुआ, कद्दू लगाए हुए, आप इससे पिकिंग करते हैं तो हर पिकिंग के बाद पौधे के ऊपर एक स्ट्रेस आता है, उस कंडीशन के बाद आप टैकामेन मैक्स को जब इस्तेमाल करेंगे तो उसकी पिकिंग में इजाफा होगा, उस कंडीशन में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। उस कंडीशन में आप फर्टिगेन फोलियर को ये सजेस्ट नहीं करते, इवन के देखिए आप इसके जो एप्लीकेशन का जो मोड है जो आप जिसमें ये इस्तेमाल के उसमें देखिए इन्होंने सीरियल्स में भी दिए हुए कॉर्न्स, राइस, सॉर्गम, आप इवन कि आप बहुत सारे क्रॉप्स में इन्होंने दिया, वेजिटेबल में इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आलू, गाजर, मूली, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैबेज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मेलन्स में देखा इस्तेमाल कर सकते हैं, वे इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन कि हर एक के लिए इन्होंने एप्लीकेशन का मोड भी डिफरेंट बताया हुआ है कि आप हर एक के लिए किस कंडीशन में आप इसको इस्तेमाल करेंगे। बताने का मकसद था जी आपको कि दोनों के मेन फ़र्क क्या है, दोनों के एप्लीकेशंस में फ़र्क है, आप दोनों को अलग अलग कैटेगरी में और अलग अलग हिस्सों में आप इस्तेमाल करेंगे। हर एक चीज़ हर एक जगह पे इस्तेमाल की जा सकती है, उसके नुकसान नहीं होते, लेकिन आप अगर साइंटिफिकली या जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके तरीके से आप चलेंगे तो आप उसके ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उसके फ़ायदे मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में ये दोनों प्रोडक्ट मैंने कवर किए होंगे और आपको इन दोनों की फ़र्क का पता चल गया होगा।
मैं जो आखिरी आपको समरी में बता देता हूँ कि अगर आप टेकामैन मैक्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो टेकामैन मैक्स को आप मैं खुद भी बाजार खुद भी उन फार्मर्स को सजेस्ट करता हूँ जो क्रॉप में पिकिंग्स करते हैं, स्पेशली जो पिकिंग्स करते हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि वो हमेशा इसको हर पिकिंग के बाद स्प्रे करें। आज आपने पिकिंग कर ली, आप कल इसके ऊपर या दूसरे सेकंड टाइम में उसके ऊपर स्प्रे कर दें तो पौधे के ऊपर जो स्ट्रेस आपके फिरने से आपके उसको जोर देने से, क्योंकि पिकिंग से भी जोर दिया जाता है पौधे को, तो उस वक्त उसके ऊपर एक स्ट्रेस आता है, उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए आप उसको जब आप टेकामैन मैक्स के स्प्रे करेंगे तो उससे उसके अंदर एक अलग सी खुशगुवारी आएगी और उसके अंदर नए फ्लावर्स जनरेट होंगे, आपके प्रोडक्शन में बड़ा फर्क आएगा। और अगर आप सिट्रसेस में आप लगाना चाह सिट्रसेस के अंदर आप लगा स्प्रे करना चाहते हैं, जहां आप क्वालिटी लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी लेना चाहते हैं, उसके अंदर आप जो है ना आप फर्टिगेन फोलियर को इस्तेमाल करें, वहां बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अगर आप गंदम में करना चाहते हैं तो गंदम में आप फर्टिगेन फोलियर को स्प्रे करें, शुगर केन में उसको स्प्रे करें, इवन के कॉटन में स्प्रे करें, ताकि आपकी क्वालिटी बेहतर करनी है तो फर्टिगेन फोलियर की तरफ जाएं, आपने प्रोडक्शन बढ़ानी है और पिकिंग्स करनी है तो टेकामैक्स की तरफ जाएं। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से आपको इतना अंदाजा हो गया होगा कि दोनों प्रोडक्ट कहाँ कैटेगराइज करते हैं और इन दोनों प्रोडक्ट को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। टू दैट ये दोनों प्रोडक्ट बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, टेकामैन मैक्स बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं दोनों को इस्तेमाल कर चुका हूँ और दोनों के बहुत खूबसूरत रिजल्ट हैं। मैजिकल प्रोडक्ट्स हैं जी, जो आपके पौधों को एक बहुत अच्छी बूंद देते हैं। अगर आपके पौधे स्ट्रेस में हैं, रियली बिलीव मी, अगर स्ट्रेस में और आप समझते हैं कि ये बहुत बुरी हालत में है, तो आप इस्तेमाल करें टेकामैन मैक्स को, फर्टिगेन फोलियो को, बहुत खूबसूरत रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह। और दुआ में याद रखिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एज ए सदकचार्य समझ के आगे दोस्तों के साथ और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और उनको इससे कोई फ़ायदा मिले। दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।